Hey guys, welcome back to the channel. और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए awesome से Clash of Clans के एपिसोड में. और महीने का पहला दिन है, इसका मतलब कौन सा एपिसोड आ सकता है मेरे को पता है, सबको पता ही होगा. यस गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने टाउन हॉल 14 में. बट आज हम लोग अपने सेकेंडरी टाउन हॉल 14 में, मतलब गेम चेंजर अकाउंट में आए हैं. उसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि ऑप्टिमस प्राइम में मेरे पास बस एक ही बिल्डर फ्री है और उसको हम कल के लिए बचा के रखेंगे. बट इस वाले अकाउंट पे हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है. डार्क थोड़ा कम है, थोड़ा खर्च कर दिया मैंने, बट बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे अमाउंट में मैंने अभी तक बचा के रखा है. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले. बट मुझे पता है अभी तक बहुत लोगों ने गोल्ड पास ऑलरेडी परचेस कर लिया होगा या फिर बहुत लोग गोल्ड परचेस करने वाले हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ एंड प्लीज़ गाइज, मोर सेटिंग्स में जाके स्क्रोल डाउन करें और कोड अड्डा डालना बिल्कुल मत भूले गाइज. ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जो इस चैनल को और आगे लेके जाएगा. एंड आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको तो पता ही है गाइज, मैं आज गिव अवे मैंने कल अनाउंस किया था और आज उसका विनर डिक्लेयर करने वाला हूँ. तो 3 गोल्ड पासेस के विनर डिक्लेयर करूँगा मैं आज के वीडियो में, उसके लिए स्टे ट्यून. खुद अपना अकाउंट पे गोल्ड पास परचेज करेंगे वो एक काम है, इन रिसोर्सेज को यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा काम है. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे मैं आपको बताता हूँ. अब देखो, इस वाले गोल्ड पास में मैंने चेक किया है कि 2 बुक ऑफ हीरो मिलने वाला है, विच इज़ स्वीट. बट उसी के साथ एक बैड न्यूज़ भी है. बैड न्यूज़ ये है कि सुपरसेल ने इस बार कोई बुक ऑफ बिल्डिंग नहीं दिया. अब ये उनकी जानबूझ के शरारत है, मुझे पता है. हर बार बुक ऑफ स्पेल देते हैं जो कि यूज़लेस है. आई थिंक ये बुक ऑफ स्पेल, मतलब मुझे आप लोग बताना कितने लोग हैं जो बुक ऑफ स्पेल का यूटिलाइजेशन करते हैं जो गोल्ड पास परचेज करते हैं, क्योंकि मैक्स प्लेयर्स के ऑलरेडी सारे ट्रूप्स एंड स्पेल्स मैक्स हैं. ट्रूप्स मैक्स करने में चलो थोड़ा टाइम तो लगता है, बट स्पेल्स मैक्स करने में बहुत कम टाइम लगता है. तो ये मुझे लगता है यूज़लेस, हर बार मुझे दे देते हैं ये लोग, बट मुझे नहीं चाहिए होता है. बट कोई नहीं गाइज, एक एक्स्ट्रा बुक ऑफ हीरो मिल रहा है जो कि मेरे लिए काफ़ी प्राइसलेस है. तो सबसे पहला काम आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, ताकि अच्छा सा मस्त सा थंबनेल में हम यूज़ करें इस लूट को. वैसे मेरे पास पुराने स्क्रीनशॉट्स भी हैं, बट कोई नहीं, किसी को एक यूज़ कर लेंगे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला काम, यस, वार्डन को अपग्रेड करने से शुरू करेंगे. तो ये गया हमारा वार्डन, ये हमने फिनिश कर दिया विद द बुक. अब क्योंकि मेरे पास अभी पर्क्स नहीं है तो काफ़ी एक्सपेंसिव था वार्डन. नॉर्मली 20% पर्क रहने से थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है, बट अभी मेरे को काफ़ी सारा लगाना पड़ा वहाँ पे लिख्स. यहाँ पे एक बुक ऑफ हीरो मिल रहा है तो ये भी ले लेते हैं. 2 बुक ऑफ हीरो सीजन पास में भी मिलेंगे, विच इज़ क्वाइट गुड. सबको यूज़ करेंगे भाई, वार्डन को मैक्स करना है जल्द से जल्द. अभी जो मैंने ले लिया ना, यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये बुक ऑफ हीरो से मैं बहुत जल्द, कितना मुझे चाहिए रिसोर्स, 190, बहुत है यार, भाप रे भाप. हालत ख़राब हो जानी है, बट कोई नहीं. नेक्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं गाइज, हमारे पास अभी काफ़ी सारा गोल्ड भी है, तो गोल्ड से हम एक डिफेंस अपग्रेड कर दें. शायद एक इन्फर्नो टार लगा दूँ मैं अपग्रेड पे, ये वाला इन्फर्नो टार, यस ये वाला इन्फर्नो टार अपग्रेड पे लगा देता हूँ. तो काफ़ी सारा गोल्ड हमारा कम हो चुका है. अभी भी एक बिल्डर फ्री है और एक बिल्डर हमारा 1 दिन 3 घंटे में खाली हो जाएगा. तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले मैं ये रिसोर्स कलेक्ट कर लेता हूँ. एंड अब हम अपना गोल्ड पास जो है वो परचेस करेंगे. ओके सो गाइज, वी आर डन, हमारा गोल्ड पास जो है वो परचेस हो चुका है. और सबसे पहले हमें जो काम करना है वो हमें 1 जिम डोनेशन जो वो अनलॉक करना है, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है. जितने भी चीज़ें मैं करता हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे 1 जिम डोनेशन चाहिए होता है. तो उसके लिए मुझे डोनेट करना पड़ेगा ताकि मेरा पर्क अनलॉक हो जाए. मेरे पास कुछ है नहीं डोनेट करने लायक, तो थोड़ी देर में करते हैं. अभी टास्क क्या क्या है, किंग 500 लेवल की, ओ भाई चलो कोई नहीं, ये तो जल्दी हो जाएगा, ये वाला भी जल्दी हो जाएगा. लाइटनिंग्स मैं यूज़ नहीं करता, एयर डिफेंस तोड़ना, ये सब जल्दी हो जाएगा, ये वाला टाइम लेता है. बट क्लैन गेम्स चलते हैं तो जल्दी हो भी जाता है, कोई नहीं, हर सीज़न ये वाला आता ही आता है. तो अब हम क्या करें गाइस, चलिए फटाफट एक अटैक करते हैं. बहुत दिनों से मैंने इस अकाउंट पे कोई अटैक नहीं किया है, तो हम एक अच्छे तगड़े वाले बेस पर अटैक करेंगे. तो लेट्स सी कैसा हमें बेस मिले. एंड ओके नाइस, क्योंकि अच्छा डार्क है, अच्छा लग्ज है, थोड़ा कम है गोल्ड बट चलेगा. अब क्योंकि इसका जो टाउन हॉल है वो तो टाइट है, फिश हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम टाउन हॉल को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी और चीज़ को टारगेट करेंगे विद द ब्लिजर्ड. थोड़ा सा सोचते हैं, सोच विचार कर लेते हैं अच्छे से, फिर सोच विचार करने के बाद जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है, क्यों ना हम, ओके चलो, सो प्लान बन चुका है. सबसे पहले ड्रॉप करेंगे एक हाउंड को. आई डोंट थिंक कि ये हाउंड ड्रॉप करना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, बट फिर भी चलो लेट्स सी. ब्लिम आ रहा है हमारा बैक साइड से एंड बहुत जल्द काफ़ी डैमेज लेगा, मुझे पता है. आई नो. क्वीन को कर देंगे फ्रीज एंड ओके. सो हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पहुंचना नहीं था, मतलब एक्चुअली मैं यहां नहीं पहुंचना चाहता था, बट फिर भी लेट्स सी कितना वैल्यू हम निकाल पाते हैं विद द ब्लिजर्ड. ओके रे कम मर गए ए भाई,
मरते हो बोलते भी नहीं हो यार कि मरने वाले हो। चलो कोई नहीं, अब इस साइड से हम थोड़ा स्वी करेंगे एंड अब क्योंकि ये बहुत वीक बेस है इसीलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, वरना मेरी बैंड बजने वाली थी। तो सबसे पहले हम ड्रॉप करेंगे एक आइस गोलम यहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे हम वॉल ब्रेकर को, यहाँ पे क्वीन को, यहाँ पे जायंट, यहाँ पे विजर्ड। चलो बढ़िया, क्वीन ड्रॉप करेंगे यहाँ, किंग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे एंड रॉयल चैम्पियन फाइनली यहाँ पे एक्सबो को टारगेट करेंगे। परफेक्ट, यहाँ पे एक और वॉल ब्रेक। ओके सो सब कुछ जा रहा है हमारा प्लान के मुताबिक, निकल गया यहाँ पे ये भी। ओके सो क्वीन 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 क्वीन, ओह नो क्वीन मार रही है। ओके फाइनली क्वीन का बैंड बच गया। ओके चलो किंग कम ऑन एबिलिटी, परफेक्ट। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, लेट्स सी। एक इनविजिबिलिटी है जो हम यूज़ करेंगे रॉयल चैंपियन पे, बट अभी तक आई डोंट थिंक कि करने की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से डिस्ट्रैक्ट है सब कुछ। कम ऑन रॉयल चैंपियन। ओके सो फाइनली अब रॉयल चैंपियन पे इनविजिबिलिटी, बट रॉयल चैंपियन ने सोचा कि चलो जल्दी से बाहर कट लेते हैं, मतलब ज़्यादा देर रहेंगे नहीं हम यहाँ पे। अब सिंगल इन्फर्नो ने पकड़ लिया रॉयल चैंपियन को, तब को तो पता ही है, बट मैं यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा ताकि रॉयल चैंपियन इस ईगल आर्टिलरी को निकाल ले। और काफ़ी वैल्यू निकाल दिया है हमने, एक तो टाउन हॉल भी इसका अपग्रेड पे चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इस बेस में अब कुछ बचा है टेंशन लेने लायक। तो यहाँ पे लालो शुरू करते हैं, यहाँ पे वार्डन ड्रॉप कर लेंगे, यहाँ पे थोड़े से मिनियंस फॉर द क्लीन अप, यहाँ पे एक मिनियन एक और, यहाँ पे एक दो आच एंड इजीली निकाल लेंगे हम। चलो एक हेस्ट यहाँ। ओके अरे वार्डन बेवकूफ, लून्स के साथ रहे, पता नहीं क्या करते हैं यार ये वार्डन, बहुत ही बेकार है। हेट हिम, जस्ट हेट हिम। ओके सो यहाँ पे हेडंटर्स, ओके फ्रीज कर देंगे इस चीज़ को, एक और ये, इसको ये, इसको फ्रीज, इसको हेस्ट, भाई सब कुछ कर दिया लिटरली हमने यहाँ पे। ओके क्वीन एबिलिटी भी यूज़ कर लेते हैं। चलो टाउन हॉल तो अपग्रेड पे था तो कोई टेंशन नहीं है गीगा पॉइजन का या फिर एक्सप्लोजन का, कोई भी नहीं, आराम से हमने निकाल लिया। काफ़ी सारा डार्क मिला हमें अच्छे से एंड गोल्ड, गोल्ड तो थोड़ा कम था बट डार्क और एलिक्सिर काफ़ी अच्छा था, परफेक्ट। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैं सोच रहा था कि रॉयल चैंपियन को अपग्रेड करूं, बट रॉयल चैंपियन बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। क्वीन को तो अभी नहीं कर सकते, सॉरी क्वीन तो हो चुका है, किंग, किंग को अभी नहीं करूंगा, सबसे पहले वार्डन और रॉयल चैंपियन को ही करना है, बाद में भी चलेगा, किंग अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या करूं, एक बिल्डर फ्री है, अभी देखो गाइस मैं और अटैक नहीं करूंगा, एक ही अटैक करना था आज तो मैंने, क्योंकि इसीलिए मैंने बूस्ट वगैरह भी नहीं लगाया, तो इससे ज़्यादा अटैक नहीं करूंगा मैं, बाद में करूंगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रेडर से तो ऑलरेडी बुक मिल चुका है मेरे को, मैं ज़्यादा लालची हो जाता हूँ यार कभी कभी, मेरे को भी नहीं पता होता कि क्या कर रहा होता हूँ मैं। ओके एक बिल्डर फ्री है तो कुछ लगा देते हैं, क्या लगाऊं, बिल्डर हट नो, गोल्ड स्टोरेज, ओके गोल्ड स्टोरेज नहीं नहीं, एलेक्सी से कुछ नहीं लगाना है मुझे। ओके गीगा इन्फर्नो नो, जायंट बम नो, नो नो सब कुछ नो, तो क्या करूँ, करूँ क्या भाई। ओके एक चीज़, सबसे पहले स्टोरेजेस, एलेक्सी स्टोरेजेस सारे हो चुके हैं, गोल्ड स्टोरेज तीनों बचे हैं, एक हुआ है बस। डैम क्या करूं यार, फंस गया हूं बड़ा। एयर डिफेंस भाई बहुत एक्सपेंसिव है भाई 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 भाई, तो करूं क्या, गोल्ड का कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। बम 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 छोटे बम। ओके एक काम करते हैं, एक काम करते हैं अभी के लिए, फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए एक छोटा सा कुछ अपग्रेड करते हैं, आई थिंक जैन बम। ओके परफेक्ट, जान मैम एक दिन का अपग्रेड है, एक दिन बाद मैं थोड़ा और लूट कर लूँगा और कुछ बड़ा अपग्रेड करूँगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है मुझे। और लैब भी फ्री है, लैब में क्या ऑप्शन है, नो लैब में काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक काम करता हूँ, मेरे पास कोई रून है, रून 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 रून, टाइटे फिश यहाँ भी। ओके तो लैब में क्या क्या किया जाए, ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लैब में कुछ डार्क एलिक्सिर का क्या कर, कुछ नहीं, कम ऑन यार, एटलीस्ट ड्रैगन या फिर ड्रैगन राइडर, चलो अभी फार्मिंग करनी पड़ेगी और तो कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब फटाफट अब गोल्ड पास के जो विनर्स हैं उनको डिक्लेयर करूँ, बट क्या करूँ यार बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, चलो कोई नहीं फटाफट चलिए अब गोल्ड पास के जो विनर्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। ओके सो गाइस मैं आ चुका हूँ रैंडम कमेंट पिकर पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वीडियो जो मेरा कल का वीडियो था वो पेस्ट कर देता हूँ, डुप्लीकेट कमेंट्स नहीं चाहिए अपने को एंड बस यही है। चलिए फटाफट सारे जितने भी कमेंट्स हैं, मेरे को पता है आप लोग गिव अवे के वीडियोज़ में कमेंट्स करना काफ़ी पसंद करते हो, कल वीडियो में देख भी रहा था 2000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आ चुके थे, अब इनको सारे फिल्टर करते हैं। तो सारे कमेंट फिल्टर हो चुके हैं, यहाँ पे 2134 कमेंट्स, बाप रे वो भी यूनिक कमेंट्स, मतलब मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट फिल्टर कर दिया फिर भी। तो चलिए फटाफट विनर्स पिक करते हैं, आपको पता है क्या करना है, आप अबाउट सेक्शन में जितने भी विनर्स बनेंगे अपना ईमेल आईडी एडिट कर देना। तो ये हमारे पहले विनर है दीपेश कुमार मीना, पूछ रहे हैं आई होप यू गेट 7, थैंक यू सो मच ब्रो।
और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके चैनल पे जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वापस आके एक और विनर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो सेकंड विनर हमारे बन रहे हैं सागर रॉय। सागर रॉय बोल रहे हैं बहुत ख़तरनाक अटैक्स, मेरे ज़्यादा मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच ब्रो। और सेकंड यहाँ पे इनको भी सब्सक्राइब कर लेता हूँ। आप लोग अपने अबाउट सेक्शन में जाके अपना ईमेल आईडी एडिट कर देना, यही ड्रिल है, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल विनर हम फटाफट पिक कर लेंगे एंड हियर वी गो। 33 उदानी हिट चलो जो भी है। बोल रहे हैं ओपी चैलेंज और भी करो, ओके परफेक्ट। सो ये हमारे थर्ड विनर हैं एंड इनके भी चैनल पे जाके एक सब्सक्राइबर भी है इनका, परफेक्ट। यहाँ पे जाके मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। अबाउट सेक्शन में अपने ईमेल आईडीज आपको सबको अपने एडिट करने पड़ेंगे, जल्द से जल्द कर देना विद इन 24 आवर्स, ताकि मैं जल्द से आपको आपके गिफ्ट जो है वो डाल सकूँ। सब अपने ईमेल आईडीज जो है वो डाल दो। ओके सो गाइज, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, बट फिर भी गाइज आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद है मेरा चैनल। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी परचेस करने से पहले अगर आप गोल्ड पास अभी तक परचेस नहीं कर रहे हो, करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ कोडाडा जरूर यूज़ करना। मिलूंगा तब तक नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।